हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 के ऑल क्वेश्चंस को बनाते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सिमेट्री को विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन आपको समझाया कि डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स इंग्लिश अल्फाबेट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी कि कितने सममित अक्ष होते हैं। जैसे कि हमने सममित अक्ष के बारे में पहले ही पढ़ चुका है कि किसी फिगर में एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना जिसके अबाउट यदि हम किसी फिगर को या चित्र को होल्ड करेंगे, मोड़े हैं, तो आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लें। तो एक्सरसाइज 13.2 भी हमारी पूरी उसी तरह बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो फर्स्ट शेप हमारा स्क्वायर का है और हमने पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं कि स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जो कि फर्स्ट ये सेकेंड एंड थर्ड हमारी इस पैटर्न डायगोनल में जो जाती है उस पैटर्न में जाती है। तो इस फिगर में हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री को फॉलो करता है। सिमिलरली इस फिगर में भी हमारा जो फिगर जा रहा है वो एक स्क्वायर के पैटर्न में जा रहा है। स्क्वायर के इस पैटर्न में भी हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, यानी कि 4 हमारे सममित अक्ष होंगे। इस प्रकार नेक्स्ट यदि हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में हमारे पास 4 अगेन 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जब एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चंस आए तो इन पैटर्न के क्वेश्चंस में हम इस पैटर्न में लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे कि हमारे सममित अक्ष कितने होते हैं। अगर हम इस फिगर में देखें, फिगर नंबर डी में, तो ये हमारा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री का फिगर है। अगर हम ई फिगर को देखें तो ये एक्चुअली हमारा एक रेगुलर हेक्सागोन को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेगुलर हेक्सागोन में हमारी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये हमारी 3rd लाइन ऑफ सिमेट्री एंड अनदर लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ये। तो इस प्रकार यदि एक सम षटभुज है, सम षटभुज हम किसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, रेगुलर हेक्सागोन मींस ऑल साइड्स यदि इक्वल होती है तो उसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इस फिगर में भी एक्चुअली हमारी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन से रिलेटेड करता हुआ ये फिगर हमने यहाँ पे बनाया है। तो ये हमारी हो गई 2 लाइन ऑफ सिमेट्री और 3rd लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ये होगी। नेक्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री जो हमारी वो ड्रॉ होगी वो इनके यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम। तो इस प्रकार इस गिवन फिगर में भी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। नेक्स्ट फिगर नंबर जी में हम ऐसी कोई भी लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते जहाँ से ये फिगर सिमेट्रिक फिगर हो जाए। तो इसलिए इस फिगर में नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री जो सममित अक्ष की संख्या होगी 0। उसी प्रकार एच फिगर में भी हम कोई भी सममित अक्ष को ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होगी। एंड फिगर नंबर आई में देखें तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री और ये हमारी सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हमारी 3rd लाइन ऑफ सिमेट्री, ये 4th लाइन ऑफ सिमेट्री और ये 5th लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस फिगर में हमारे 5 सममित अक्ष होते हैं। अब प्रश्न नंबर सेकंड में कहता है कि ये जितने भी हमारे फिगर्स दिए हुए हैं उन्हें स्क्वायर पेपर में हमें कॉपी करना है और इन ट्रायंगल में हमारी कितनी सममित अक्ष एग्जिस्ट करेगी हमें बताना है और साथ ही साथ ये ट्रायंगल कौन से पैटर्न का ये बताना है। तो सबसे फिगर में, फर्स्ट फिगर में देखें तो ये हमारे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज को प्रदर्शित करता है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और 3rd हमारा जो फिगर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है यानी कि समबाहु त्रिभुज है। जब भी कोई त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज में हमारे 3 सममित अक्ष यानी कि 3 लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। एंड फिगर नंबर सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है और साथ ही साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज को प्रदर्शित करता है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में हमारा जो सममित अक्ष बिलोंग करेगा वो उसके वर्टेक्स से जाते हुए हम यहाँ पे इस लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करेंगे। एंड फिगर नंबर डी जो है हमारा एक विषम बाहु त्रिभुज को प्रदर्शित करता है यानी कि स्केलेन ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां हमारी एक समान नहीं होती, ऑल साइड 3 साइड की जो लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसमें एक भी हमारे सममित अक्ष यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री बिलोंग नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट जो फिगर है एक समबाहु त्रिभुज का है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, उसमें नंबर ऑफ सममित अक्ष जो होते हैं हमारे सममित अक्षों की संख्या 3 होती है। उसी प्रकार हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, रोम्बस और सर्किल में भी बताना है।
स्क्वायर मीन्स वर्ग, वर्ग में हमारी फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। हम इस प्रकार टेबल को कंप्लीट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो स्क्वायर यानी कि वर्ग में हमारी चार सम्मित अक्ष होते हैं। रेक्टेंगल मीन्स आयत, आयत में हमारे दो सम्मित अक्ष होते हैं, फर्स्ट एंड दिस इज अवर सेकेंड। अगला फिगर हमारा आइसोसेलिस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में हमारी केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये भुजा और ये भुजा की लंबाई हमारी बराबर होती है। तो देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन आइसोसेलिस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज में हमारी केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगला फिगर हमारा रोम्बस। रोम्बस माने समभुज। समचतुर्भुज में हमारी टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जो कि दोनों ही उसके विकर्ण से पास होके जाती है। दिस इज अवर फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री जो कि हमारे विकर्ण से पास होके जा रही है और ये हमारी सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो समचतुर्भुज में हमारी दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सर्किल। सर्किल में हमारी अनंत सममित अक्ष होते हैं, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। उसका जो डायमीटर होता है, जो सेंटर से पास होके जाने वाली लाइन, उसका जो व्यास होता है, वृत्त का प्रत्येक व्यास मतलब इज डायमीटर ऑफ ए सर्किल जो होता है उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। क्योंकि डायमीटर के अलॉन्ग यदि हम सर्किल को फोल्ड करेंगे तो वो बॉर्ड डायरेक्शन में सेमी सर्किल हो जाएगा और सेमी सर्किल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बॉर्ड डायरेक्शन के। तो सर्किल में जितने भी डायमीटर होते हैं अनंत डायमीटर होते हैं, इसलिए उसमें सममित अक्षों की संख्या लाइन ऑफ सिमेट्री भी अनंत होती है यानी कि इनफाइनाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है, कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल व्हिच हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या हम कोई ऐसा त्रिभुज ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें केवल एक सममित अक्ष हो? तो हमारा आंसर होगा यस। ऐसा त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलिस ट्रायंगल होता है जिनकी दो ये दो भुजाएं बराबर होती हैं और उसमें एक केवल एक सममित अक्ष होते हैं, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहता है, एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। क्या हम ऐसा कोई त्रिभुज ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें केवल दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो ऐसा हमें कोई भी त्रिभुज नहीं ड्रॉ कर सकते जिसमें केवल दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कहता है कि एग्जैक्टली थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कोई हम ऐसा त्रिभुज ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री हो? यदि हम एक ऐसा ट्रायंगल देखें तो ये ट्रायंगल हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हमारी थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 1 एंड दिस इज अवर 2 एंड दिस इज अवर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या हम ऐसा कोई त्रिभुज ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो? तो ऐसा त्रिभुज हमारा एक स्केलेन ट्रायंगल होता है। स्केलेन ट्रायंगल माने विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। मीन्स ऑल साइड्स जो होती हैं वो डिफरेंट लेंथ की होती हैं। तो ऐसा एक ट्रायंगल होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अब प्रश्न नंबर 5, ऑन अ स्क्वायर पेपर स्केच द फॉलोइंग। हमें एक स्क्वायर वर्गांकित पेपर में इन फिगर को ड्रॉ करना है। सबसे फर्स्ट फिगर, अ ट्रायंगल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कहता है, ऑन अ स्क्वायर पेपर स्केच द फॉलोइंग। एक वर्गांकित पेपर में निम्नलिखित चित्रों को बनाइए, एक ट्रायंगल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मींस क्षैतिज रेखा हमारी होती है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है, और वर्टिकल मींस खड़ी यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो हमें एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो बट वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो ये फिगर हमारा एक आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलिस ट्रायंगल को हमें इस पैटर्न में बनाना होगा जिससे यहाँ की हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, मतलब दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें कोई भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि ऊर्ध्वाधर सममित अक्ष विद्यमान नहीं है। अगला क्वेश्चन हमें कहता है, एक क्वाड्रिलेटरल विथ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा चतुर्भुज हमें बनाना है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित अक्ष विद्यमान हो। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल मीन्स आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वाड्रिलेटरल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री।
हमें एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसमें कि क्षैतिज सममित रेखा हो बट ऊर्ध्वाधर सममित रेखा एग्जिस्ट ना करती हो। ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमारा काइट शेप क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें केवल एक क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसमें कोई भी हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसा कोई भी सममित अक्ष हम ड्रॉ नहीं कर सकते जिसके अबाउट हम उस फिगर को फोल्ड करें। वर्टिकल लाइन को नहीं ड्रॉ कर सकते जिसमें हमारा दोनों तरफ के फिगर सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है एक अ हेक्सागोन विथ एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा षटभुज हमें बनाना है जिसमें केवल दो सममित अक्ष होते हों। तो ऐसा हेक्सागोन जिसके ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो, फर्स्ट ये हमारी वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर सममित रेखा और दूसरा हमें बनाना है हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। इसमें ये साइड की लेंथ इस साइड की लेंथ के इक्वल है, ये साइड की लेंथ इस साइड की लेंथ के इक्वल है और ये साइड की लेंथ इस साइड के इक्वल है। ये हमारा एक रेगुलर हेक्सागोन नहीं है यानी कि सम षटभुज नहीं है क्योंकि ये भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई से अधिक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमको कहता है ई का आ हेक्सागोन विथ सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा सम षटभुज को हमें ड्रॉ करना है जिसमें सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री होती हो। ऐसे षटभुज को ड्रॉ करने के लिए हमें रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करना पड़ेगा। सम षटभुज मतलब जिसकी सभी भुजाओं की जो लंबाइयां होंगी वो समान होंगी इक्वल होंगी। तो इस प्रकार हमारा ये सम षटभुज में जिसमें कि सभी भुजाओं की लंबाइयां समान है और इसमें सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री जो है एग्जिस्ट कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे सम षटभुज में होती है। अब प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। ट्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी। तो इसमें क्योंकि साइड की लेंथ को इंक्रीज कर दिया है इसलिए इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं होती, लेकिन यदि हम सेकेंड फिगर में देखें तो हमारे यहाँ पे टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये हमारी फर्स्ट सममित अक्ष है, ये हमारा दूसरा सममित अक्ष इस फिगर में एग्जिस्ट करता है। अगर हम सी नंबर के फिगर में देखें तो इसमें हमारे पास फोर लाइन ऑफ सिमेट्री है। इन फिगर्स को पहले हमें स्क्वायर पेपर्स में बनाना है, फिर उसके बाद इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करना है। दिस इज 1, 2 एंड ये हमारी थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई और ये हमारी फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और इस फिगर को अगर हम देखें तो हमारे पास ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री और ये हमारी टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन हमें नहीं दिख रहा है। रेगुलर हेक्सागोन होता तो इसमें सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती एग्जिस्ट। नेक्स्ट इस फिगर में देखें तो ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही सममित अक्ष हमारा इस फिगर में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इस फिगर में देखें हमारे पास वन एंड दिस इज अवर टू और ये हमारी थ्री और फोर लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमको कहता है कंसिडर द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड और लिस्ट अमंग देम द लेटर विच हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड लोन लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब हमें इंग्लिश अल्फाबेट ए से जेड में पूरा लिस्ट करके बताना है कि किस लेटर में वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर सममित रेखा होती है, किसमें हमारी सममित हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज सममित रेखा होती है और किसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंग्लिश अल्फाबेट में वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एंड बी लेटर में हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, सी में हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, डी में हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, ई में भी हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, एफ में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, लेटर जी में भी किसी प्रकार का कोई सममित अक्ष नहीं होता, लेकिन लेटर एच में हमारी दोनों हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही सममित रेखा एग्जिस्ट करती है। लेटर आई में भी हमारी दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, जे में जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, लेटर ओ में हमारे पास इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो इन फिगर्स को हम देख सकते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किस लेटर में हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और किस में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है गिवन हियर द फिगर एंड यदि हम इसको लाइन के अबाउट फोल्ड करें
तो हमारा एक सिमेट्रिक डायग्राम बनना चाहिए। तो इस फिगर को आपको कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। यदि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो फर्स्ट फिगर को कंप्लीट करने के लिए हम सबसे फर्स्ट ये लेंथ को मेजर करेंगे और इस डायरेक्शन में भी हम इतना ही लेंथ का स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार ईच लाइन को मेजर करते हुए हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है। ध्यान रहे कि जिस जितनी लेंथ हमारी इस डायरेक्शन में ऐसा ले रहा है उतना ही लेंथ आप मेजर करते हुए ऐसे मेजर करेंगे, तो सेम हमारा एक सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ होगा। तो यदि हम इस फिगर को इस लाइन के अबाउट यदि फोल्ड करते हैं तो स्वाभाविक है हमारे दोनों फिगर एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। नेक्स्ट फिगर में हमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री बोल रहा है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कंप्लीट के अबाउट इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए अगेन हमें इस लेंथ को मेजर करते हुए सबसे फर्स्ट हम इसको कंप्लीट करें एंड देन इस फिगर को इस पैटर्न में कंप्लीट करें आप। और ये है तो इसे करते हुए और ये, तो इस प्रकार हमारा दोनों फिगर एक इस लाइन के अबाउट एक सिमेट्रिकल फिगर बना।